अगर आप अमेजिंग एडवेंचर को क्लियर करना चाहते हो तो हम अगर आप अमेजिंग एडवेंचर के हर एक स्टेज को क्लियर करना चाहते हो फास्ट में, तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसे कि हमारे पास ये 3 डे लेफ्ट है, जैसे हम हमने अमेजिंग एडवेंचर खोल लिया है, हमने एक्चुअली पूरा क्लीन कर लिया है, लेकिन हम आपको समझा देते हैं। जैसे ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट में 100 डायमंड मिलेगा, सेकंड में ये एबिलिटी के लिए मिलेगा, थर्ड में 5 मिलेगा, सिक्स में ये कॉइन मिलेगा, फिफ्थ में ये एबिलिटी मिलेगा, ये की मिलेगा। इस तरह से हर एक स्टेज में अलग अलग रिवॉर्ड मिलता रहेंगे। इसमें ये स्टोन है 10 में। अभी ये स्टेज हमको कैसे पार करने हैं, हमने ये पार कर लिया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि कैसे ये पार करना है। इसके लिए आपको 500 ये कॉइन्स लेना पड़ेगा अमेजिंग पास का एक्टिवेशन के लिए। ये 500 लेना पड़ेगा। ये कैसे लेना है हम आपको समझाते हैं। अभी हमारे पास 210 है और हमने ये 15 के 15 क्लियर कर लिए हैं। ये हमने कैसे क्लियर किए हैं ये हम आपको समझाते हैं। अगर आपको ये क्लियर करना है तो आपको करंट स्टेज में जो है, अभी हमारे पास ये 16 नंबर का स्टेज है, 16 नंबर का स्टेज पूरा बाकी है, तो ये 15 नंबर का स्टेज, 15, 14, 13, 12, इसमें से कोई भी स्टेज में जाइए और स्नेक को फुल्ली अपग्रेड कर लेना है। अभी मान लो कि हम ये 14 नंबर के स्टेज में जा रहे हैं, तो हम ये स्नेक को पहले फुल्ली अपग्रेड कर लेंगे। ये देख लेते हैं, हमारे पास स्नेक जो है वो फुल्ली अपग्रेड होना चाहिए। ये हमारे पास स्नेक है, ये फुल्ली अपग्रेडेड है, इसमें 2 एपिक वेपर भी है, ठीक है। अभी ऐसे जाएंगे तो हमारे पास स्टेज जल्दी से क्लियर हो जाएगा और काम भी फास्ट हो जाएगा। तो अभी हम ये स्टेज 14 को पार करेंगे। स्टेज 14 के लिए हम सबसे पावरफुल स्नेक्स को भी ले लेंगे। जितना मैक्सिमम पावरफुल स्नेक लेंगे उतना स्टेज जल्दी क्लियर हो जाएगा, और जितना जल्दी स्टेज क्लियर हो जाएगा उतना जल्दी पॉइंट नहीं होगा। आप करंट वाले स्टेज में जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगता है, इसके लिए उसमें नहीं जाना। अभी हम ये स्टेज स्टार्ट कर लेते हैं। धीरे धीरे ये स्टेज स्टेज क्लियर करके बताते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको ये फायर वाला और एक लाइटनिंग वाला स्टोन मिल गया है।